अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमए कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसके अलावा एमए से रिलेटेड बहुत सी और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमए जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, दोस्तों ये पीजी कोर्स है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं जो कि 3 साल या फिर 4 साल का होता है। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। एमए का कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, सभी कॉलेज में एमए का जो कोर्स है वो उपलब्ध होता है। चाहे आप किसी छोटे शहर से करें, किसी बड़े शहर से करें, किसी गाँव से करें, अगर कहीं कॉलेज है तो दोस्तों वहाँ पे एमए का कोर्स जरूर होता है। कुछ जगहों पे एमए का कोर्स ईयरली वाइज होता है यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और कुछ जगहों पे एमए का जो कोर्स होता है वो दोस्तों सेमेस्टर वाइज होता है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर होता है। 1 सेमेस्टर 6 महीने को कहा जाता है। अगर आप 1 सेमेस्टर पास करते हो तभी दोस्तों आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हो। जो मास्टर डिग्री होती है बहुत तरीके की स्ट्रीम से की जा सकती है, यानी कि आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, बहुत तरीके से मास्टर डिग्री कंप्लीट हो सकती है। जो स्टूडेंट आर्ट्स से अपनी मास्टर कंप्लीट करते हैं उनको एमए बोला जाता है, जो कॉमर्स से करते हैं उनको एमकॉम बोला जाता है, जो साइंस से करते हैं एमएससी बोला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि अब आप तो समझ गए कि आर्ट्स स्ट्रीम से अपनी मास्टर कंप्लीट करना एमए कहलाता है। और आप सभी को तो ये भी पता होगा कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जितने ऑप्शंस आपको आर्ट्स सब्जेक्ट में मिलते हैं उतने किसी और स्ट्रीम में नहीं मिलते, ना ही साइंस में मिलते हैं ना ही कॉमर्स में मिलते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोस्तों आपको 20 से 24 तरीके के सब्जेक्ट मिल सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, जो मुख्य विषय होते हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद हम लोग एमए की फीस के भी बारे में बात करेंगे। तो देखोगे जैसे कि मैंने बताया कि एमए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ मुख्य सब्जेक्ट्स के बारे में ही बताया जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं। सबसे पहले आता है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं जो कि दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, तो यहाँ पर हिंदी बहुत कॉमन है और ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी रखते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हिस्ट्री ले सकते हैं यानी कि इतिहास ले सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने में। और अगर आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो दोस्तों हिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, जिससे आपकी पढ़ाई भी होती है और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको आर्थिक नीतियाँ, व्यापार और मार्केट को प्रभावित करने वाले कारण, टैक्सेशन, महंगाई, बैंकों की नीतियाँ, बेरोजगारी, मांग और आपूर्ति जैसे टॉपिक पढ़ने होते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में ही अपना करियर बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो अगला सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो दोस्तों होता है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। इसमें आपको मानव मन के रहस्यों, मनुष्यों के बर्ताव, सोच, उनकी प्रतिक्रिया, मानसिक परेशानी, उनके समाधान इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आपको बेसिकली बताया जाता है कि आप किसी इंसान को कैसे समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रही है, सारी चीज आपको इसमें बताया जाता है। जो अगला सब्जेक्ट है जियोग्राफी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जैसे कि आप सभी को पता है कि जियोग्राफी में आपको जलवायु, समुद्र, मानसून, पृथ्वी और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर आने वाली जो भी गतिविधि है, देश विदेश के नगरों, सीमाओं इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों आपको जो अगला सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, आप म्यूजिक से भी अपना एमए का कोर्स कर सकते हैं। और जो अगला सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट होता है। इसमें आपको देश विदेश के राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीति के सिद्धांत, फेमस जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके जीवन के बारे में जानने सुनने और पढ़ने को मिलता है। जो अगला सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी जो यूपीएससी के लिए स्टूडेंट जाते हैं उनका ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट वो मानते हैं और वो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते भी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आपको प्रशासन की कार्यप्रणाली, जन कारोबार के मुद्दों को समझना और उनके बारे में निवारण करना होता है। जो अगला सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, समाजशास्त्र के अलावा दोस्तों जो अगला सब्जेक्ट है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। इसमें आपको मानव जीवन का उद्देश्य, अध्यात्म, नैतिक मूल्य, महान दार्शनिकों के जीवन परिचय और उनके विचारों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि
इंग्लिश होता है, गुजराती होते हैं, तमिल होता है, उर्दू होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जो भी सब्जेक्ट बताई ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और 95% स्टूडेंट एमए में यही सब्जेक्ट लेते हैं। और ये सब्जेक्ट लेने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर आप इन सब्जेक्ट से अपनी एमए की पढ़ाई करते हो तो आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप किसी भी फील्ड में आगे जाके अपना करियर बना सकते हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से चाहिए, चाहे आप हिस्ट्री से चाहिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स से चाहिए, चाहे आप साइकोलॉजी से चाहिए, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको होते हैं। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि एमए की फ़ीस कितनी होती है। तो देखो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमए का कोर्स कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस 3,000 से 4,000 रुपये होती है एक साल की। वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमए का कोर्स कर रहे हो तो दोस्तों इसकी जो फ़ीस होगी 20,000 से 25,000 रुपये हो सकती है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप एमए के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है howtobecomeinindia.in। आपको गूगल पर जाके सिंपली सर्च करना, हमारी वेबसाइट आयुसरीना आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल है, आप चाहे तो उन आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उसके साथ साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप सभी को तो पता है कि कोई भी आप सरकारी नौकरी का एग्जाम दीजिए उसमें करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अपनी करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज अच्छी करनी है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम डेली करेंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिससे आपकी करेंट अफेयर्स और जीके काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।